लेकिन चर्चाएं सीएम के साथ ही इस बार डिप्टी सीएम को लेकर भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सीएम के साथ ही दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखें। राजस्थान में सीएम का सस्पेंस दो से तीन दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन चर्चाएं सीएम के साथ ही इस बार डिप्टी सीएम को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सीएम के साथ ही दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ऐसे में कई सवाल डिप्टी सीएम को लेकर भी किए जा रहे हैं। सीएम का चुनाव कैसे होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम कैसे तय किया जाता है? क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम चुनने का क्या है तरीका? हालांकि समय समय पर ये बात भी उठती रही है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं जिक्र है, या फिर केवल राजनीतिक दलों ने सत्ता के समीकरण को साधने के लिए ये पद बनाया है। वैसे भारतीय राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद की परंपरा लंबी है। कई सालों से पार्टी इस पद पर अपने वरिष्ठ नेता को बिठाती रही है। ऐसा समझा जाता है जब मुख्यमंत्री के समकक्ष ही पार्टी के भीतर कोई दूसरा नेता भी होता है तो उन्हें डिप्टी पद दे दिया जाता है, या फिर गठबंधन सरकारों में साझा प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डिप्टी सीएम अलग से शपथ ले, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे एक मंत्री शपथ लेता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी शपथ लेता है। साथ ही डिप्टी सीएम की शक्ति भी एक मंत्री जितनी ही होती है। इन पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई भी नहीं कर सकता है, और न ही उसे दूसरे मंत्रियों से अलग कोई भत्ता या सुविधा मिलती है। राजस्थान में ये भी चर्चा है कि सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होगी और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये बात क्या आपको पता है? यानी आसान भाषा में कहा जाए तो सियासी समीकरण बनाए रखने के लिए किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद क्रिएट किया जाता है। यही कारण है कि किसी डिप्टी सीएम के पास सीएम जैसे अधिकार या उससे कुछ कम अधिकार नहीं होते, बल्कि उसके अधिकार भी मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों की तरह ही होते हैं। डिप्टी सीएम अपने विभाग के लिए ही जिम्मेदार होता है। कहा जाता है कि नेताओं को खुश रखने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, हालांकि संविधान में इसका कोई जिक्र भी नहीं है। डिप्टी सीएम को कोई अलग से शपथ भी नहीं दिलाई जाती, जैसे एक मंत्री कार्य करता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी होता है। राजस्थान में अब तक 5 डिप्टी सीएम बने हैं। बीजेपी सरकार में एक बार डिप्टी सीएम बना है, जबकि कांग्रेस सरकार में 4 बार डिप्टी सीएम बने हैं। सबसे पहला नाम टीका राम पालीवाल का है, जो 1952 में डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद बीजेपी के हरिशंकर भाबड़ा डिप्टी सीएम बने, जो पूरे 5 साल 1993 से 1998 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2002 में बनवारी लाल बैरवा 7 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2003 में 11 महीने के लिए कमला बेनीवाल डिप्टी सीएम बनी, और अब तक के अंतिम डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, जो लगभग 1.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में ही डिप्टी सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम हैं, कई प्रदेशों में 2 डिप्टी सीएम है। देश का कोई भी राज्य डिप्टी सीएम से अछूता नहीं रहा है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी भी डिप्टी सीएम बना सकती है। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम बनाकर सभी समीकरण साध लिए जाते हैं? क्या डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राजस्थान में समीकरण साध लेगी? कहा जा रहा है कि राजस्थान विजय में कई जातिगत और सामाजिक समीकरणों का योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी सभी को भागीदारी देकर साधने की कोशिश करना चाहती है। कौन सीएम डिप्टी सीएम बनता है ये तो नाम सामने आने पर ही पता चलेगा। खबर राजधानी जयपुर से है। जिले में 11 दिसंबर से सोशल ऑडिट शुरू होगा। जिला परिषद लोकपाल राम अवतार ने बताया कि ये सोशल ऑडिट 52 ग्राम पंचायतों में 11 से 16 दिसंबर तक होगी। इसके बाद 17 दिसंबर को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों के स्वीकृत कार्य, प्रगतिरत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कैटल सेंड, विद्यालय विकास कार्य, मनरेगा कार्य, पौधशाला, दस्तावेज संधारण, ग्राम सभा का अवलोकन और निरीक्षण का भी काम किया जाना है। लोकपाल ने कार्यक्रम और विकास अधिकारी
सोशल ऑडिट कार्यक्रम को समयबद्धता से संपन्न करवाने और ग्राम पंचायत स्तर पर दीवार लेखन, श्रमिकों को कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधाएं, अधिक से अधिक श्रमिकों को कार्य पर नियोजित करने, ग्राम पंचायतों के रजिस्टर्स की पूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए भी निर्देश दिए हैं।